नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट थर्ड के छात्रों के लिए जनसंख्या वृद्धि के शीर्ष चार सिद्धांत के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको इसे विभिन्न बताए गए चार सिद्धांतों को समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत को समझें। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एवं जनाकिकी विशेषज्ञ प्रोफेसर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने वर्ष 1798 ईस्वी में अपनी पुस्तक ए एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि के तत्कालीन यूरोपीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि संबंधी जैविक अवधारणा का प्रतिपादन किया। कहने का तात्पर्य यह है कि माल्थस, जिनका पूरा नाम प्रोफेसर थॉमस रॉबर्ट माल्थस था, उन्होंने वर्ष 1798 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक जो लिखी थी, जिसका नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इस पुस्तक में उन्होंने यूरोप के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। और माल्थस महोदय जो थे वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि माल्थस महोदय की जो अवधारणा थी वो किन किन मान्यताओं पर आधारित थी। माल्थस महोदय की अवधारणा कुछ निम्न आधारभूत मान्यताओं पर आधारित थी। पहला, जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय गति से होती है, अर्थात 1, 2, 4, 8, 16 इस तरह से। और दूसरी जो आधारभूत मान्यता उनकी थी वो ये थी कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि अंकगणितीय प्रणाली से होती है, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5। कहने का तात्पर्य यह है कि मूल रूप से इनकी जो दो अवधारणा थी, इन अवधारणाओं में उनका कहना ये था कि जनसंख्या जो बढ़ती है किसी भी देश में, या यूरोपीय संदर्भ में जो उन्होंने बात करी थी, तो उनका कहना था कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो ज्यामिति से प्रणाली से होती है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से जो है सो जनसंख्या में वृद्धि होती है। जबकि खाद्य पदार्थ के उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो अंक गणितीय प्रणाली, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से जो है सो मैंने कि खाद्य पदार्थ में वृद्धि होती है। तो इन अवधारणाओं के आधार पर उनका कहना ये था कि जनसंख्या के दोगुने होने की अवधि माल्थस महोदय ने 25 वर्ष बताया था। अर्थात माल्थस महोदय का कहना था कि किसी भी यूरोपीय संदर्भ में, या हम अगर अब मास लेवल पे बात करें, विश्व स्तर पे बात करें, तो उनका ये कहना था कि किसी भी देश या प्रदेश की जो आबादी है वो 25 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, मैंने दोगुनी हो जाती है। 25 मैंने कि किसी भी देश में जनसंख्या के दोगुने होने की जो अवधि है वो 25 वर्ष की अवधि है, ये माल्थस महोदय की मान्यता थी। उनके द्वारा बताए गए वृद्धि दर से 200 वर्षों में जनसंख्या एवं निर्वाह के साधनों का अनुपात 256:9 का हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि मैंने कि अगर आज हम किसी देश की बात करते हैं जनसंख्या और खाद्य पदार्थ की, तो वो अगले 200 वर्ष के बाद जो है सो जनसंख्या और खाद्य पदार्थ का जो अनुपात है वो 256:9 का हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा जो है सो गैप हो जाता है। इस प्रकार जनसंख्या व खाद्यान्न की वृद्धि की अलग अलग प्रवृत्तियों के कारण खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब आप ही कल्पना कीजिए कि जब जनसंख्या 256 और खाद्य पदार्थ का अनुपात जो है 256:9 का हो जाए, तो आदमी के सामने तो भुखमरी की समस्या हो जाएगी। मैंने जितनी हमारी आबादी है उसे कितना कम जो है सो खाद्य पदार्थ आ रहा है या उत्पादन हो रहा है, तो इससे तो भुखमरी की समस्या जो है सो मतलब कि किसी भी देश में या कहीं पर भी जो है सो आ जाएगी। यानी कि खाद्य आपूर्ति जो है सो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में जनसंख्या के सामने खड़ी हो जाएगी। अतः यदि स्वयं के नैतिक नियंत्रणों के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण न पाया जाए, तो प्राकृतिक कारकों अर्थात दुर्भिक्ष, संक्रामक बीमारियों, युद्ध आदि के द्वारा व्यापक अकाल मृत्यु होती है। इस प्रकार जनसंख्या खाद्य पदार्थ के अनुपात में संतुलन होने लगती है। वर्तमान समय में माल्थस
का सिद्धांत शायद ही कहीं लागू होता है। कहने का अर्थ ये है कि माल्थस महोदय का कहना ये था कि अगर हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे, मतलब नैतिक नियंत्रण अगर हम जनसंख्या पर नहीं करेंगे और जनसंख्या वृद्धि इस दर से होती चली जाएगी तो उसके परिणाम स्वरूप जो है सो दुर्भिक्ष यानी अकाल की स्थिति हो सकती है, संक्रमण बीमारियां महामारी फैल सकती है, और ये नहीं भी हो तब युद्ध की स्थिति, खाद्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए युद्ध की स्थिति आ जाएगी और उसमें जो है सो काफ़ी अधिक मात्रा में जो है सो जान माल की क्षति होगी और इस तरह से जो है सो जनसंख्या और खाद्य पदार्थ के अनुपात में संतुलन स्थापित होगा। और वर्तमान समय में मैंने ये बात होती है कि माल्थस महोदय का ये सिद्धांत जो है सो विश्व में कहीं भी लागू नहीं होता, परंतु जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की दिशा में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इसे पर्याप्त माना जाता है या मान्यता प्राप्त है, क्योंकि माल्थस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर वैज्ञानिक रूप से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। भारत में वर्ष 1921 ईस्वी के पहले काफी हद तक माल्थस का सिद्धांत लागू होते थे, परंतु क्योंकि 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में वास्तविक गिरावट देखी गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि माल्थस महोदय का जो सिद्धांत है भले ही जो है सो अब कहीं पूरी दुनिया में लागू ना होता हो, फिर भी यह सिद्धांत की महत्ता आज भी बनी हुई है क्योंकि यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में पूरे विश्व में आज इसको मान्यता प्राप्त है, क्योंकि माल्थस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है सो जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन किया था। और भारत में वर्ष 1921 के पहले माल्थस महोदय का सिद्धांत लगभग जो है हमारे देश में लागू होता था, लेकिन 1911 और 1921 के दशक में जो है सो ऐसा देखा गया कि जनसंख्या वृद्धि में जो है बहुत सारे महामारियां और फैली थी, अकाल पड़ता था जिसके कारण की जो है सो बहुत जान माल की यहाँ क्षति हुई थी। परंतु हरित क्रांति के पश्चात खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई तत्पश्चात यह सिद्धांत भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं रहा। वस्तुतः 1951 ईस्वी के पश्चात औसतन खाद्यान्न वृद्धि दर 3.1 प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, जबकि जनसंख्या का अधिकतम वृद्धि 2.22% रही है। कहने का अर्थ यह है कि वर्ष 1951 के पश्चात हमारे देश में जो है सो खाद्यान्न वृद्धि दर 3.1% प्रतिवर्ष है, जबकि जनसंख्या वृद्धि औसतन जो है सो 2.22% है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि जो दर है उससे अधिक वृद्धि जो है सो खाद्य उत्पादन में हो रहा है, इसलिए माल्थस का सिद्धांत अब हमारे देश में लागू नहीं होता है। नव माल्थसवादियों के अनुसार माल्थस का जनसंख्या वृद्धि नियम तकनीकी क्रांति आने के कुछ समय के लिए टल भले ही जाए, परंतु अंततः काफी हद तक लागू होता है। दरअसल उदाहरण के लिए भारत में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति आदि के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की दर जनसंख्या वृद्धि की वृद्धि से तेज रही है, परंतु खाद्यान्न की उत्पादन वृद्धि की अपनी सीमाएं हैं। कहने का अर्थ यह है कि नव माल्थसवादी जो हैं उनका कहना यह है कि भले ही पूरे विश्व में आज माल्थस का सिद्धांत लागू नहीं होता हो, लेकिन ये जो है सो ये कुछ समय के लिए टला हुआ है, क्योंकि तकनीकी विकास के कारण जो है सो हम लोग ने इसको कुछ वक्त के लिए टाल भले ही दिया है, लेकिन हरित क्रांति या श्वेत क्रांति के आने से जो है सो हमारे देश में जो है सो खाद्य पदार्थ की वृद्धि दर जो है अभी जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है ये हम मानते हैं, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन की जो है सो की वृद्धि जो है सो एक सीमा है, उसके बाद आप उससे अधिक वृद्धि नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की कोई सीमा नहीं है। अतः राष्ट्रीय कल्याण की दृष्टि से नैतिक नियंत्रणों द्वारा अथवा कृत्रिम उपायों से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण आवश्यक है। नव माल्थसवादी सिद्धांत के अंतर्गत ही 1972 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रतिपादित अभिवृद्धि की सीमाएं सिद्धांत अत्यधिक महत्व रखता है। यह मिडोज, रेंडर्स एवं बहरेन्स आदि विद्वानों द्वारा विकसित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमते हुए एक यान की भांति है जिसके संसाधन सीमित हैं, अतः जनसंख्या में तीव्र वृद्धि वैश्विक ध्वंस की स्थिति पैदा करेगी। ये नव माल्थसवादियों का विचार है। उपर्युक्त सिद्धांत के द्वारा दिए गए मॉडल में 5 तत्व शामिल थे।
पहला जनसंख्या वृद्धि, दूसरा कृषि उत्पादन यानी प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन, तीसरा प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन, चौथा प्राकृतिक संसाधन और पांचवा पर्यावरण प्रदूषण। क्लब ऑफ रोम ने इन पांचों के संदर्भ में अधिकतम सीमा की चर्चा की है। इनके अनुसार 1970 ईस्वी के उपयोग स्तर पर नवीनीकरण योग्य संसाधन 250 वर्ष में समाप्त हो जाएंगे तथा नवीनीकरण अयोग्य संसाधनों की भी अपनी सीमाएं हैं। संसाधनों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक होने की अवस्था 2100 ईस्वी के पूर्व ही आ जाएगी, क्योंकि उस समय विश्व की जनसंख्या 10 अरब से अधिक होगी। अतः विश्व को चाहिए कि 2050 ईस्वी तक जनसंख्या को शून्य वृद्धि पर स्थित करने का प्रयास करे। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विकासशील देशों द्वारा जन्म दर को घटाने की दिशा में ठोस प्रयास किया जाना आवश्यक है। आइए अब हम जनसंख्या वृद्धि का दूसरा जो सिद्धांत है वो मार्क्स महोदय का जो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है उसको समझने का प्रयास करें। कार्ल मार्क्स ने जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में अपने विचार 1867 ईस्वी में प्रस्तुत किए। उनका यह जनांकिकी चिंतन जैविक अवधारणा पर नहीं वरन साम्यवादी दर्शन पर आधारित था, जो पूर्णतः सामाजिक आर्थिक अवधारणा पर आधारित है। उनके अनुसार वैश्विक समाज अमीर व गरीब दो वर्गों में विभाजित होता है। गरीब श्रमिक वर्ग अपनी आय को बढ़ाने के लिए श्रम शक्ति के संग्रह व श्रमिकों की फौज तैयार करने पर बल देता है, जिससे उसमें जनसंख्या वृद्धि की गति अधिक होती है, जबकि अमीर वर्ग धन संग्रह पर बल देते हुए श्रमिकों की अतिरिक्त शक्ति को निरंतर सस्ता बनाए रखता है। इससे जन्मदर, मृत्यु दर एवं परिवार के आकार का मजदूरी स्तर से विपरीत संबंध होता है। इस प्रकार श्रमिकों के उस वर्ग में मजदूरी दर निम्न व मृत्यु दर अधिक होती है, जिन्हें बेरोजगार होने का भय अधिक होता है। अब हम जनसंख्या वृद्धि का तीसरा जो मूल सिद्धांत है उसमें अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, इस विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहे हैं। अनुकूलतम जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत की उत्पत्ति जनसंख्या व संसाधनों के संबंध के तुलनात्मक विश्लेषण से हुई है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन केनन को इस सिद्धांत का जनक माना जाता है। उनके अनुसार किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस आकार से होता है जो उपलब्ध संसाधनों, पूंजी व वर्तमान प्रविधि की स्थिति में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करता है। यदि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम से अधिक होता है तो वह देश अति जनसंख्या का देश बन जाता है। इससे विपरीत यदि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से कम हो तो वह देश न्यून जनसंख्या का देश बन जाता है या होता है। रोबिंसन ने अनुकूलतम जनसंख्या के स्थिति में प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन एवं कार सॉन्डर्स ने प्रति व्यक्ति अधिकतम आर्थिक कल्याण की परिकल्पना की है। डाल्टन ने एडविन केनन के द्वारा व्याख्यायित अनुकूलतम जनसंख्या के स्थिति में प्रति व्यक्ति आय की संकल्पना की सहमति दी है। जनसंख्या व संसाधनों के सहसंबंध को निम्न सूत्रों द्वारा विवेचित किया गया है। M is equal to A minus O बटा O, जहां M असंतुलन की मात्रा, A वास्तविक जनसंख्या और O आदर्श जनसंख्या है। यदि M धनात्मक है तो जनाधिक होगा और यदि ऋणात्मक है तो न्यून जनसंख्या न्यून होगी। इसी प्रकार M का मान O के मान के बराबर हो तो जनसंख्या व संसाधन के बीच संबंधों की आदर्श व अनुकूलतम स्थिति होगी। वस्तुतः किसी भी देश की अनुकूलतम जनसंख्या स्थिर नहीं होती, क्योंकि अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा एक गतिशील अवधारणा है। यह संसाधनों की मात्रा एवं गुणों में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तनशील होती है। इसी प्रकार अल्प जनसंख्या व अधिक जनसंख्या की अवधारणा भी गतिशील है। यह वास्तविक भी हो सकती है और सापेक्षिक भी। क्लार्क ने वास्तविक और सापेक्षिक तथा अल्प जनसंख्या व जनाधिक की अवधारणा प्रस्तुत की है। अब आइए हम जनसंख्या वृद्धि का जो चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत, इस सिद्धांत को समझते हैं।
जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत का विकास डब्ल्यू एस थॉम्पसन और एफ डब्ल्यू नोटेस्टिन महोदय द्वारा किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि डब्ल्यू एस थॉम्पसन महोदय ने वर्ष 1929 ईस्वी में और डब्ल्यू नोटेस्टिन महोदय ने वर्ष 1945 ईस्वी में इस सिद्धांत का विकास किया था। बाद में सीपी ब्लेकर, क्लार्क, हैगेट आदि विद्वानों ने भी इसका समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि क्रमिक चरणों में होती है तथा प्रत्येक देश को इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जनांकिकी विद इसे जनसंख्या चक्र तथा भूगोलवेत्ता इसे जनांकिकी संक्रमण की संज्ञा देते हैं। इन विभिन्न अवस्थाओं में एक परंपरागत पशुपालक व कृषक समाज विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अंततः एक औद्योगिक एवं नगरी समाज में परिवर्तित हो जाता है तथा उसके अनुरूप ही विभिन्न अवस्थाओं में जनांकिकी संरचना में भी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। क्लार्क महोदय ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए इसके नए प्रारूप को प्रस्तुत किया तथा पूर्व परिकल्पित चार अवस्थाओं के अलावा एक पांचवा अवस्था भी परिकल्पना की। सिद्धांत की मूलभूत अवधारणा यह है कि जनसंख्या वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है किंतु इसका निर्धारक संतानोत्पादक समूह की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं, अर्थात किसी भी समाज की आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर उसकी जनसंख्या वृद्धि की अवस्था का पता लगाया जा सकता है। इसके विपरीत जैविक कारक अर्थात जन्मदर एवं मृत्यु दर किसी भी समाज की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का द्योतक है। आइए हम इन पांच अवस्थाओं के बारे में जानें। प्रथम अवस्था यह उच्च जन्मदर और उच्च मृत्यु दर की धीमी जनसंख्या वृद्धि की अवस्था है। इसे जनसंख्या वृद्धि की अस्थिर अवस्था कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में जन्मदर व मृत्यु दर दोनों ही प्रकृति पर आधारित होती है, अतः इसमें कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि होती है। इस अवस्था में जन्मदर व मृत्यु दर दोनों ही 40 से 50 प्रति हजार के बीच होती है। यह वैसे देशों की विशेषता है जहां समाज का ढांचा परंपरावादी है। सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इस प्रकार के समाजों में उच्च जन्मदर व उच्च मृत्यु दर मिलती है। एडम स्मिथ ने भी कहा है कि जनांकिकी उर्वरता का अनुकूलतम वातावरण दरिद्रता द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात जो समाज जितना गरीब होगा जनसंख्या वृद्धि उतनी ही अधिक तेज गति से होगी। उदाहरण के लिए इथोपिया, सोमालिया, लाओस, पापुआ न्यू गिनी, कंबोडिया आदि देश इस अवस्था के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। अब हम दूसरी अवस्था की बात कर रहे हैं, इसे जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं। उच्च जन्मदर एवं घटती मृत्यु दर इस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। सामान्यतः जन्मदर 40 से 50 प्रति हजार एवं मृत्यु दर 15 से 20 प्रति हजार के बीच होती है। विश्व के अधिकतम विकासशील देश इसी अवस्था में हैं, जहां चिकित्सीय सुविधाओं के विस्तार से मृत्यु दर में तो कमी आ गई है परंतु सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में विशेष अंतर नहीं होने के कारण जन्म दर में अपेक्षित कमी नहीं आ पाई है। इस अवस्था वाले देशों में बेरोजगारी, अशिक्षा, बुनियादी सेवाओं की कमी, खाद्यान्न की कमी आदि की प्रमुख समस्याएं होती है, परंतु श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ने से सघन जीवन निर्वाह कृषि व अन्य विकास कार्य भी प्रारंभ होते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब आदि इस अवस्था में आने वाले देश हैं। आइए अब हम तीसरी अवस्था की बात करें। इस जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की प्रवृत्ति की अवस्था है। फिर से सुनिए, यह जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की प्रवृत्ति की अवस्था है। साक्षरता में प्रसार, छोटे परिवार के प्रति जागरूकता,
एवं बढ़ते हुए सामाजिक आर्थिक विकास के कारण जन्म दर में कमी आती है तथा मृत्यु दर भी घटता जाता है। इस अवस्था में जन्म दर 20 से 30 प्रति हजार तथा मृत्यु 10 से 15 प्रति हजार होता है। इस प्रकार इस अवस्था में धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है। यह अवस्था पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, चीन आदि देशों में देखने को मिलती है। भारत भी इस अवस्था में वर्ष 1991 ईस्वी से प्रवेश कर गया है। उदाहरण के लिए इजराइल, पुर्तगाल, स्पेन, चिली आदि इस अवस्था में आने वाले देश हैं। आइए अब हम चतुर्थ अवस्था की बात करें। यह अवस्था जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था है। इस अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही न्यून हो जाते हैं। जन्म दर 10 से 15 प्रति हजार एवं मृत्यु दर 10 से कम प्रति हजार होती है। यह विकसित समाज की विशेषता है। G8 के देश सिंगापुर, हांगकांग, पश्चिमी यूरोप के देश आदि इस अवस्था में आते हैं। भारत के इस अवस्था में पहुंचने की संभावना वर्ष 2021 ईस्वी तक है। अब हम पांचवी अवस्था की बात कर रहे हैं। इस अवस्था को कोलोन क्लार्क ने ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था कहा है, क्योंकि यहाँ यद्यपि न्यूनतम मृत्यु दर न्यूनतम होती है, परंतु पारिवारिक संस्थाओं एवं विवाह जैसे मूल्यों के पतन के कारण जन्म दर मृत्यु दर से कम रहता है। यह अत्यधिक विकसित एवं तकनीकी समाज का द्योतक है। वर्ष 1970 ईस्वी के बाद इस तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। इस प्रकार से जाति संहार या जनांकिकी अपरदन की अवस्था कही जाती है। स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, आइसलैंड आदि देश एवं विकसित देशों के नगर एवं महानगर इस अवस्था में हैं। यूरोपीय देशों के संदर्भ में ये अवस्थाएं निम्न प्रकार से रही है। प्रथम अवस्था औद्योगिक क्रांति के पूर्व, द्वितीय अवस्था औद्योगिक क्रांति से प्रथम विश्वयुद्ध तक, तृतीय अवस्था प्रथम विश्वयुद्ध से 1950 ईस्वी तक, चतुर्थ अवस्था 1950 ईस्वी के बाद और पांचवी अवस्था 1970 ईस्वी के बाद। विश्व के अधिकतम देशों में इस सिद्धांत को आधार बनाकर जनांकिकी आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, परंतु कई बार सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जनसंख्या वृद्धि से सीधा संबंध नहीं रखती है। उदाहरण के लिए चीन में तुलनात्मक रूप से सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के बावजूद राजनीतिक व प्रशासनिक प्रयासों से जन्म दर व मृत्यु दर पर भारी नियंत्रण है, जबकि अरब देशों या तेल निर्यातक इस्लामी देशों में अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति के बावजूद धार्मिक कारणों से जन्म दर तीव्र बनी हुई है। इस आलेख में आपने जनसंख्या वृद्धि के शीर्ष चार सिद्धांत क्रमशः माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, मार्क्स का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत तथा जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत के बारे में पढ़ा। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कोई भी कठिनाई हो रही हो तो आप मुझसे मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24x7 बात कर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।